अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं आया था छत पे, मुर्गियाँ उन्होंने काफ़ी गंद डाला होता है। मैंने कहा दाना करता हूँ, आज तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा गंद डाला आज तो उन्होंने। तो इनकी सफाई करते हैं, फिर हम इनको खोलते हैं, दाना डालते हैं। इन्होंने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं, दो तीन जोड़े हैं जिन्होंने अंडे उतारे हुए हैं। तो कल दोस्त ने अंडे दिए थे, वो मैंने चेंज किए हैं एक जोड़े के नीचे, उसके मैंने किसी और के नीचे रख दिए। अब हम करते हैं सफाई, सफाई करने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो ये मेरी मुर्गियां हैं, आपको दिखाता हूँ मैं मुर्गियां। ये मुर्गियां हैं और इसने अंडा उतारा अभी। ये एक सीलों का जोड़ा है, वो मैंने बंद कर दिया है, तो वो एक कैच में बंद है। तो अब हम सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद मिलते हैं। अब हम सफाई करने लगे हैं, तो सफाई करने के बाद मिलते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा ये गंद वगैरह, पत्थर वगैरह, ईंटे वगैरह साइड पे किए हैं, तो मैं झाड़ू ढूंढ रहा हूँ। ये पड़ गया, बिल्कुल झाड़ू मिल गया। अब हम सफाई करें, काफी गंद डाला उन्होंने। मिट्टी काफी उड़ रही है, तो मैं पानी लेने जा रहा हूँ। पानी लेके आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गिराते हैं ताकि मिट्टी ज्यादा ना तंग करे। पड़ रही है, मास्क तो डाला हुआ है पर फिर भी काफी तंग कर रही है। पानी ले आया हूँ मैं, तो पानी थोड़ा सा गिराते हैं, फिर हम इसको करते हैं। पानी मैं निकाल लिया, आप जाओ। मेरी आदत है, मैं जब भी दाना डालता हूँ ना, तो छत को साफ करके अपने जोड़ों को डालने डालता हूँ। ये बिठे वगैरह पड़ी होती है मुर्गियों की, तो ये गंद में जाता है, फिर दाना वो वहाँ से खाते हैं, तो जरासीम होते हैं, गंदा वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं सफाई कर रहा हूँ, तो सफाई करने के बाद मिलते हैं। छत तो हमने साफ कर लिया, अब हम खोलने लगे जोड़े अपने, दिखाता हूँ आपको। ये मेरा डिस्को, इसको मैं डिस्को कहता हूँ, मेरे सबसे बड़ा नार है मेरी छत पे, बहुत पुराना है माशाल्लाह। ये लाल बंद गंडेदार है, देसी पुराना, पुराने जो चलते थे ना ये, वो है। तो आजकल तो किसी के पास भी नहीं नज़र आते, तो इसको मैंने जोड़े लगाया हुआ है। इसको फीमेल जो दी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली फीमेल है, वो साइड पे वाली, ये वाली, ये फीमेल दी हुई है मैंने इसको। इन्होंने अंडे उतारे हुए हैं, तो वो पीछे नर है, घर के ही पट्ठा है, तो ये मादी वो पीछे है, अंडे उतरवा देगा। ये मादी को भगा रहा है, थोड़े दिनों तक ये भी अंडे उतार देगी। ये है, इसने अंडे उतारे हुए हैं, मादी ने भी। आइए, ये मेरी मोकन है, नापी मोकन है, ये जर्द है, मोकिया गंडेदार है, इसके साथ लगा हुआ है। तो सर्दी काफ़ी हो गई हुई है, रात को बहुत काफ़ी सर्दी होती है आजकल, तो 2-3 दिन हो गया काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो मैंने रात को पानी बनाया था, तो गैस नहीं होती इस टाइम, तो इस वजह से मैंने फिर रात को ही बना लिया था। तो ये देसी पानी है, तीन चीज़ें डलती हैं इसमें, काफ़ी अच्छा पानी है, मैं यूज़ करता हूँ।
कबूतर फिट रहते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये पानी मैंने बना के बोतल में डाल लिया है, तो ये पानी है, इसमें हमने डाले हैं अजवाइन है, काली मिर्च है और लौंग डाले हुए हैं। 2 लीटर पानी लिया था तो उसको हमने पकाया है, और ये 1.25 लीटर रह गया था, तो ये 1.25 या 1.5 लीटर, तो फिर हमने उतार लिया था इसको पका पका के, बोतल में बंद किया हुआ है। दाना डालते हैं अभी, तो फिर इसके 2 से 3 ढक्कन डालता हूँ मैं पानी में डाल के पिला देता हूँ। मैं दाना डालता हूँ इन्हें, तो ये बैठा है डिस्को, अंडों पे बैठा है, ये अंडे उतार देगा अभी 1-2 दिन में, ये भी जोड़ा अंडे उतार देगा। लाल बन गंडेदार है, पुराने देसी हैं। मैं इनको दाना डालता हूँ, फिर ये दाना खाते हैं, तो फिर मिलता हूँ, पानी डालते हैं, पिलाते हैं। मैंने जाना भी था, जल्दी जल्दी काम करते हैं। बाजरा डालता हूँ मैं अभी, अभी अंडे उतारे हैं इन्होंने, इसलिए अभी बाजरा खा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 दिन में इनका बाजरा डालता हूँ, फिर उसके बाद इनको राड़ी स्टार्ट कर देता हूँ मोटा दाना, फिर ये वो खाते हैं। ये मेरे गर्दान है, तो इनको क्या पर इनके काटे हुए थे, इनको अब लेस कर रहा हूँ, इनको उड़ाएंगे हम। ये नीला पट्ठा बैठा है, ये मुझे दोस्त ने दिया था गिफ्ट, इसको भी हम उड़ाएंगे। छत देख ली हुई है इसने, ये मादी है मेरी, जोड़ों वाली अंडे बांधती है, इसको मैंने रेस्ट दिया है और इसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं, फिर इसको दोबारा लगाते हैं, देखते हैं उतारती है कि नहीं उतारती। ये मेरा इंडियन जोड़ा है, ये मोकिया ना रहा बड़ा, वो खैरी मार दी है मोका। ये बड़े हरामी होते हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, पीछे से आके मारते हैं। ये देखो इसके एटम चेक करो इसके, तो मैं देख रहा हूँ इसे, इस वजह से थोड़ा सा मुंह पीछे करूँगा, भाग के आता मारने के लिए। आपको अपना सील जोड़ा भी दिखाऊंगा, वो मैंने केज में बंद किया हुआ है, तो उसका दरवाज़ा लगाना है बना के, टाइम नहीं मिला, वो बना के लगाना है। तो अभी ये दाना खाते हैं ना, तो फिर मैं आपको जोड़ा भी दिखाता हूँ, वो वाला जो मेरा फेवरेट जोड़ा है, उसने का बच्चा निकला हुआ है, एक मर गया था अंडे से, बच्चा नहीं निकला, बना हुआ था, तोड़ा मैंने, वो तो मरा पड़ा था। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा ये जोड़ा, फोकस ही नहीं हो रहा, माशाल्लाह। ये जोड़ा है और ये बच्चा निकला हुआ है, ये 5-6 दिन का हो गया, ये
एक मर गया था बड़ा हुआ। मैंने कहा था देखता हूँ, फिर मैंने कहा निकल आएगा खुद ही, तो कल देखा तो नहीं निकला था, तोड़ा तो मरा पड़ा अंदर। चल मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, और ये दाना खा रहे हैं, ये दाना खाते नहीं, पानी में रखता हूँ, फिर आपको जोड़ा दिखाता हूँ। तो इतने देर के बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है, तकरीबन घंटा तो लग ही जाएगा इन्हें। घंटे के बाद मिलते हैं आपसे, आपको जोड़ा दिखाता हूँ फिर। मिलते हैं घंटे के बाद आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। ये पानी मांग रहा है, तब भी पानी रखना नहीं है इन्हें, मैंने पहले खा लेंगे। चलिए मिलते हैं आपको बाद में, तो खुदा हाफिज़। तो ये थोड़े से बर्ड्स हैं, ये मैं उड़ाऊंगा इंशाल्लाह, वो एक फीमेल के अलावा। तो ये मेरे गर्दान है, ये पट है जो दोस्त ने दिया था, ये भी उड़ाऊंगा, ये भी, ये तीन उड़ाऊंगा, चार उड़ेंगे एक के अलावा। इन्हें अभी दाना किया, ये दाना खा रहे हैं, फिर इनका बंद करके आपको जोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये है माशाल्लाह मेरा जो जोड़ा है, ये सील का, ये नारा है, ये फीमेल मादी है। ये जो अब बाहर आया तो सारे सारे अपने अपनी जगह पे लग गए। उधर मैंने इनके लिए बनाना है पिंजरा, बनाऊंगा उसको, कोने पे मट्टी ला के रखी हुई है, तो उधर हम पिंजरा बनाएंगे, यहाँ से सारी सफाई हो जाएगी। पानी पी रही है ये हमने छोटे छोटे खाने बनाए हैं अंडों के लिए, मुर्गियाँ अंडे देती हैं इनमें। चल आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे जानवर अच्छे लगे हैं, तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। ये गोल्डन है, ये है माश, ये जोड़ा ये।